अमृतसर के श्री दरबार साहब विच वापरे 84 के खूनी साके 36 वरे पूरे हो जा रहे हैं, जिस दे चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर साल की तरह 6 जून को मनाए जाने वाले घल्लूकारा मार्च बारे जानकारी देंदिया दल खालसा आगू कंवरपाल सिंह ने दसिया कि बीते दिन हरपाल सिंह चीमा प्रधान की अधीनगी हेठ हुई मीटिंग विच यह फैसला किया गया कि WHO की हदायत को मद्देनज़र रखते हुए दल खालसा वालों 5 जून घट तो घट संगत को नाल लैके चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए श्री अकाल तख्त साहब ते पहुँच के शहीदों लिए अरदास की जाएगी, क्योंकि शहीदों को याद करना भी बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों को इन्हों शहीदों की शहादत नाल जाणू करवाने लिए असी बहुत ही थोड़ी संगत की शमूलीयत दे नाल इस मार्च को पूरा करांगे। दल खालसा वालों अज June 1984 का घल्लूकारे हफ्ते संबंधी प्रोग्राम ऐलान करन संबंधी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी गई है। June 1984 नूं 36 वरे पूरे होन जा रहे ने। इन्हां 36 वरियां दे विच जिहड़े जख्म लगे सी सिख कौम नूं वो अज भी सजरे ने। पीड़ जिहड़ी है वो सजरी है और जख्म हरे हैं। जेड़ियां शहादतां होईयां सिंह सिंघनियां जूझदे शहीद होए जां जेड़े श्रद्धालु निहत्थे ही भारतीय फौज दी गोलियां दा शिकार होए उन्हां नूं याद करन लई उन्हां नूं श्रद्धांजलि देन लई उन्हां नूं नतमस्तक होण लई पिछले 36 वरियां तो सिख कौम ये दिन ये हफ्ता मनाउंदी आ रही है। दल खालसा 1999 तो जदों तो उसने राजनीतिक पिड़ दे विच दोबारा कदम रखिया है उदों तो ही ये दिन मनाउंदा आ रहा है। असी हर वरे इस दिन घल्लूकारा यादगारी मार्च कढ़दे आ रहे हैं। असी समझते हाँ कि साड़ी उन्हां शहीदां प्रति फर्ज हन। असी समझते हाँ कि 6 जून नूं जो घल्लूकारा वापरिया जो 3 जून नूं शुरू होया ते 6 जून नूं दे शाम तक चलिया वो सिख कौम दे इतिहासिक पल हन। ये इतिहासिक पलों नू प्रजर्व करना सामभ के रखना अगली जनरेशन नू दसना साडा सारियां दा फर्ज है। इस करके असी ये दिन पूरे खालसे जाह जलाल दे नाल मनाउंदे आ रहे हैं और 6 जून नू सवेरे समुचा खालसा पंथ अकाल तख्त साहिब विखे इकत्र हो के इन्हां शहीदां नू श्रद्धांजलि दिंदा आ रहा है। 2020 दे विच भी असी ये हफ्ता मनाउण दा प्रोग्राम उलीकिया है। पार्टी दी मीटिंग सदी गई क्योंकि जो एक बार माहौल चल रहा है महामारी नू लैके जो लोकां दियां नू मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है मुसीबतां दा सामना करना पै रहा है आर्थिक दुश्वारियां दा सामना करना पै रहा है और जिते दुनिया भर दे विच भारत पंजाब दे अंदर लोकां दी जाना जा रही ने इस सारे परिस्थितियां नू विचारन लई असी पार्टी दी मीटिंग सदी जिहदे च हरपाल सिंह चीमा जो प्रधान सी वो शामिल होए। असी उस मीटिंग दे विच ये महसूस किया कि इस समाज प्रति साडियां कुछ जिम्मेवारियां हन उत्थे उन्हां शहीदां प्रति भी साडे फर्ज हन। असी उन्हां जिम्मेवारियां नूं समझदे होए समाज प्रति जिम्मेवारियां नूं समझदे होए जो नियम WHO अते सरकारां ने बनाए हन जो गाइडलाइनस दित्तियां हन उस नूं इत्यात दे वजों मुख रखदे होए असी 5 जून नूं जो असी हर साल घल्लूकारा यादगारी मार्च करदे हां वो मार्च उलीकिया है जिहड़ा 5 जून नूं 2020 दे विच होएगा। पर क्योंकि इत्याद रखना बहुत जरूरी है
महामारी COVID-19 करके जो हालात बने हैं, इस महामारी नू फैलन तो रोकन लिए जड़े एहतियात सरकारा ने दसे हैं उसनू मुख रखते हुए असी इस बार अपनी मार्च दे विच अपनी गिनती घट तो घट रखांगे। और जेड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग शरीरिक तौर पर एक दूजे तो दूरी बनाउन दा जेड़े नियम हैं उसनू स्ट्रिक्टली मेनटेन रखांगे, फॉलो करांगे। मार्च दे विच गिनती बहुत घट होएगी, असी घट तो घट संगत नू नाल लैके चलांगे। और दूसरी गल है कि मार्च दरम्यान असी शरीरक दूरी बना के रखांगे। मार्च अकाल तख्त साहब विखे पहुँच जाएगा 5 तरीक नू, और अकाल तख्त साहब विखे जाके जिहड़ी शहीदां दा अस्थान बनया इन्हां शहीदां 84 दे शहीदां दी याद विच उत्थे असी इन्हां दे निमित अरदास भी करांगे। पिछले लंबे समय तो असी ये 5 जून नू कल्लूकारा यादगारी मार्च करते आ रहे हैं और 6 जून नू असी अमृतसर बंद दा सद्दा भी दिंदे आ रहे हैं। पर इस बार असी 6 जून दा जिहड़ा अमृतसर बंद दा सद्दा है उस बारे कोई अंतिम फैसला नहीं लिया मीटिंग दे विच, क्योंकि अज लॉकडाउन 4 दियां गाइडलाइनस चल रही ने, पर 1 जून नू लॉकडाउन 5 दियां गाइडलाइनस आउणगियां। और साडा प्रोग्राम जिहड़ा 5 और 6 दा ओ लॉकडाउन 5 दे विच फॉल करता है। सो असी 1 जून नू लॉकडाउन 5 दियां गाइडलाइनस नू मुख रखते हुए अपने 6 दे प्रोग्राम बारे फैसला लवांगे। पर असी लोकां दियां मजबूरियां, लोकां दियां दुश्वारियां अते लोकां दे आर्थिक हितां नू भी मद्देनज़र रखांगे। सो असी समझदे हां कि जिहड़ा ये प्रोग्राम असी उलीक रहे हां ये असी उन्हां शहीदां प्रति अपना फर्ज निभा रहे हां, ते गाइडलाइनस नू मुख रखते हुए असी अपने समाज प्रति जिहड़ियां साडियां जिम्मेवारियां उस नू भी मद्देनज़र रख रहे हैं। दूसरी जिहड़ी अहम गल अज दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करन वाली है वह है कि भारत सरकार ने एक दमनकारी नीति अपनाई हुई है, बदलाखोरी की नीति। पिछे दिल्ली दे विच जेड़े नौजवानों ने, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने नागरिकता सोध कानून के विरुद्ध पूरे देश विच मुहिम बिटी सी, खास तौर पर जामिया यूनिवर्सिटी, GNU यूनिवर्सिटी, उन्हां सारियां विद्यार्थियों जेड़े सरगर्म सन, मोहरी रूप रोल प्ले कर रहे सन, उन्हां दे उत्ते केस दर्ज करने शुरू किए ने। और बहुत सारिया नौजवान लड़कियां जिहड़ी यूनिवर्सिटी पढ़दियां ने, खास तौर पर जिहड़ी एक सफूरा हैगी है जिहड़ी प्रैगनेंट लेडी है उसनू गिरफ़्तार किया होया, उसके साथियों नू गिरफ़्तार किया होया। और परसों 2 पिंजरा तोड़ जिहड़ी एक संस्था उन्हां दे नाल जिहड़ियां संबंधित 2 वूमेन एक्टिविस्ट ने, 2 औरत एक्टिविस्ट ने, उन्हां नू भी गिरफ़्तार किया। और जदों वो लड़कियां अदालत उन्हां दा केस गया, सफूरा दा भी ते पिंजरा तोड़ लड़कियां दा, अदालत ने उन्हां नू बेल दित्ती और कहा कि इन्हां दी हिरासत दी लोड़ नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने उन्हां दे उत्ते एक नवां केस पा के, एक दूसरा केस पा के उन्हां नू फिर अंदर कर दिता, अरैसट कर लिया। असी समझते हैं कि दिल्ली पुलिस सीधी सीधी गृह मंत्री जिहड़ा अमित शाह उहदे अंडर है, और गृह मंत्री नागरिकता सोध कानून के विरुद्ध उठन वाला जिहड़ा अंदोलन सी उसनू चलाउण वालियां दे विरुद्ध बदलाखोरी दी जिहड़ी पहुँच अपना के बैठे हुए ने। ईवन जिहड़ा दिल्ली क्रिमिनल कलैश होए ने वह भी बदलाखोरी की नीति च होए ने, क्योंकि सरकार नहीं चाहती सी कि CA दे विरुद्ध जिहड़ा अंदोलन वह होर सिखरां ते जावे। सरकार दिल्ली की चोन हार चुकी सी, सो उन्होंने अपना जवाब उन इन्हां नौजवान लड़का लड़कियां नू गिरफ़्तार करके अपना जिहड़ा एक बदला वो लै रहे ने। ये रिवेंज की पॉलिटिक्स कर रही है BJP की सरकार। असी समझते हैं कि ये गलत कर रहे ने, एक पासे लोगों कह रहे हैं कि तुसी लॉकडाउन दरम्यान घर च रहो, दूजे पासे नौजवान लड़के लड़कियां नू गिरफ़्तार कर रहे हैं। असी वो anti-CAA जिहड़े प्रोटेस्टर्स ने जिहड़े लॉकडाउन दरम्यान पकड़े गए ने, असी उन्हां सारयां दी रिहाई की मांग करते। देखो असी भी इस गल नू समझते हाँ, सरकार दे अपने अपनिया कुछ मजबूरियां ने, सरकार दियां अपने कुछ पैमाने ने, पर
ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।